दोस्तों, अब हमने ड्राइवर चेंज कर लिया, मजा आया, बहुत मजा आया। और मुझे लगता है सबको ड्राइव करना चाहिए एक्सप्रेस वे पे, बहुत मजा आया। चलो, रास्ता बिल्कुल सुनसान था, तो पापा का फ्रेंड कौन था? रूहान महा। अब निकलते हैं जम्मू, आज वापस घर जा रहे हैं। 4-5 दिन हो गए हमें बाहर, और इवेंट भी हो गया शहरी के घर पे, कनिका के सिस्टर के घर पे फंक्शन भी हो गया। अब घर जाने की बारी आ गई है, चलिए चलते हैं जम्मू की तरफ वापस। रूहान चले, कहाँ कन्नू? कन्नू बिजी है अभी फोन पे। चले दोस्तों, गाड़ी को थोड़ा साफ कर लेते हैं, साफ करना जरूरी है यार, शीशा बड़ा गंदा था, सामान सारा डल गया। कनिका का वेट कर रहा हूँ मैं, और ये आगे कन्नू, थोड़ा सा सामान इसके हाथ में था, ये लेके आ रही है। चले, डिक्की खोलनी पड़ेगी, सामान है अभी भी थोड़ा सा। देखिए डिक्की पूरी फुल है हमारी, इस साइड डाल दे। दोस्तों ये मेरे सांडू साहब हैं, तेजी जी आप मिल चुके हैं, आओ आपको इनकी थार दिखाते हैं। इनके थार बड़ी अच्छी मॉडिफाई की हुई है। आओ सर, चाबी नहीं, कोई बात नहीं, बाहर से थोड़ी देख लेंगे। टायर्स आपने वो लगाए हुए हैं, कौन से? एटी ऑल टेरेन। ऑल टेरेन, पर ये देखो आगे से आर्म्ड फोर्सेस, अंदर से तो सेम ही होगी, अंदर से तो सेम ही है, है ना, पर पीछे से जबरदस्त चीज लगाई हुई है एक। पीछे का अपने मिलिट्री नेट है, कैमोफ्लेज। हां क्या है? कैमोफ्लेज नेट। अच्छा ये देखिए, साथ में बेलचा भी, ऑफ रोडिंग के दौरान कभी गाड़ी फंस जाए ये बेलचा काम आया था। बहुत बढ़िया, इन्होंने गाड़ी भी अच्छी बनाई हुई है। इस बार हमें टाइम नहीं मिला देखने का, चलाने का, चलो नेक्स्ट टाइम सही अभी चला लेते हैं सर, नेक्स्ट टाइम चलाएंगे, अब लेट हो गए, अब निकलते हैं। तो हम जम्मू के लिए वापसी स्टार्ट कर चुके हैं, तो एक्साइटेड हो आप दोनों घर वापस जाने के लिए? नहीं नहीं, रूहान एक्साइटेड नहीं है, रूहान भी क्योंकि कल से स्कूल जाना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे और रूटीन शुरू हो जाएगी। नहीं, रूहान की मम्मा तो बहुत एक्साइटेड है, अगेन आई विल स्टार्ट माय रूटीन। तो मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ दोस्तों, क्योंकि जाके काम करना है दोबारा, बच्चों के हाफ ईयरली है सब चीजें हैं, तो जाके रूटीन में वापस आएंगे। 2-4 दिन का चेंज बहुत अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद फिर काम भी तो करना है ना, अपना घर अपना होता है। चलिए आज पहुंचेंगे लेट, हम दिखाते हैं रास्ते में हम क्या करते हैं। ये जो नोएडा है इसका एरिया अच्छा बनाया है उन्होंने, ग्रीनरी बहुत है, आगे पीछे पेड़ हैं, पार्क्स हैं, तो जिस लोकेलिटी में इनका तेजी का घर है शहरी का, वो लोकेलिटी भी बहुत अच्छी है। मैं दिखा नहीं पाया आपको, नेक्स्ट टाइम ना कभी जब आऊँगा फुल टाइम, टाइम होगा इस बार तो बिजी था इवेंट में, तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा सारा। दोस्तों ये गाज़ियाबाद एक्सप्रेसवे है, बहुत ही अच्छी रोड है, क्रूज़ पे अच्छी खासी गाड़ी चल रही है, एंड यहाँ से अब ईस्टर्न पेरिफेरल दिखा रहा है कि हम 6 किलोमीटर्स में ईस्टर्न पेरिफेरल को हिट करेंगे। चलिए अब हम फाइनली सही ट्रैक पे आ गए हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल में हमारी एंट्री हो गई है दोस्तों, अब यहाँ पे क्रूज़ लगा के थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि हम, वैसे तो क्रूज़ लगता नहीं है, बहुत ही गंदी रोड है, इतनी टूटी फूटी सी रोड है ना, देखिए जगह जगह पे ये ऐसे ही है, तो फिर भी कोशिश करते हैं लग जाए अगर, तो गाड़ी खींचते हैं थोड़ी यहाँ पे। दोस्तों ये हम ईस्टर्न पेरिफेरल से निकल रहे हैं, और यहाँ पे क्या है कि मैं क्रूज़ लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हो क्या रहा है रास्ते में ना, रोड में छोटे छोटे से जॉइंट से बने हुए, देखिए स्क्रीन तोड़नी पड़ रही है, ये कनिका दिखाई है आपको ये, और जब मैं क्रूज़ पे अगर निकलूँ तो यहाँ पे गाड़ी जंप करती है बड़ी ज़्यादा, तो थोड़ी सी वो कंट्रोल में नहीं रह रही स्मोक के ऊपर अगर मैं क्रूज़ लगा के जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है 75-80 पे क्रूज़ लगाना पड़ेगा। इन्होंने आधी रोड तो इन्होंने बंद कर दी हुई है, आई थिंक रिपेयर कर रहे हैं, और ये बीच में जो छोटे छोटे ये देखे भी ये पैचेस बनाए हुए हैं जिस पर गाड़ी उछलती है, थोड़ा डिफिकल्ट है इसमें स्पीड खींचना, लेकिन चलो खींचते हैं। इसका गाड़ी चलाने का मन कर रहा है तो मैंने गाड़ी रोक दी है, तो चलो थोड़ी देर ये चला लेती है। कनिका फर्स्ट टाइम एक्सप्रेस वे पर ड्राइव कर रही है एंड इन्जॉय कर रही है, इसको एक्सप्रेस वे देख के बड़ा मन कर रहा था कि मैं भी ड्राइव करूं, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर इन्जॉय कर ले। मेरी स्पीड देखो, स्पीड पे इस समय 105, तो एक्सप्रेस वे पर ड्राइव करके मजा आ रहा है। यस, तो आप मेरी स्पीड देखो, 6th गियर लगाओ, बस स्पीड देख ली मैंने, आप लोगों को दिखाओ। चलो जी, ये 100 बस। दोस्तों टोल प्लाजा आ गया, अब यहाँ से आगे से थोड़ी आगे से हमारा रास्ता कट जाएगा सोनीपत के लिए,
एक्सप्रेसवे से बाहर आ गए हैं और अब हाईवे पे चल रहे हैं और कनिका ड्राइविंग कर रही है, एंजॉय कर रही है, उसको मज़ा आ रहा है हाईवे पे गाड़ी को ड्राइव करने का। लेकिन आज एक चीज़ है, रुहान सो गया, शायद रुहान गुस्से में था, सो गया। तो हमने ड्राइवर चेंज कर लिया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और मुझे लगता है सबको ड्राइव करना चाहिए एक्सप्रेस वे पे, बहुत मज़ा आया। चलो दोस्तों, पहुंच गए हैं पानीपत के टोल पे। बीच में थोड़ा सा मैं रुक गया था, काम था कुछ, तो अभी तो ब्रेकफास्ट के लिए रुके नहीं गई, अभी करनाल ही रुकते हैं, जाके खींचते हैं गाड़ी थोड़ी। दोस्तों अभी गन्नौर के पास है हरियाणा में, और आप रोड देखिए, रोड की क्वालिटी कितनी अच्छी है, ये पैच इतना अच्छा है कि आराम से गाड़ी 106 के क्रूज पे चल रही है, मज़ा आ रहा है। अब हमारा पानीपत आने वाला है, पानीपत के बाद हमारा आएगा करनाल। दोस्तों हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं करनाल में नीलकंठ, अब देखते हैं क्या मूड बनता क्या नहीं बनता। रुहान भी सो के उठ गया है, रुहान गुड मॉर्निंग, ये सो गया था बीच में और अभी थोड़ा फ्रेश होने। यहाँ पे कुछ नहीं खाना, आगे से क्या लेना है? रुहान यहाँ से कुछ नहीं ले रहा, मैं बना रहा हूँ अपना एक सब, मज़ा आ रहा है पिज़्ज़ा खा के। आपने अपनी चॉइस का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कौन सा पिज्जा ऑर्डर किया? मार्गरिटा। और कन्नू ने डोसा ऑर्डर किया है डोसा प्लाजा से, और मैं तो आपको पता खा लिया अपना। वाह रोहन, ये चीज़ आप कल से मांग रहे थे ना, कल मम्मा ने गलत पिज्जा खिला दिया था। हैं, कल कौन सा खा लिया था? कल चीज़ बस खा लिया था, लेकिन आज चॉइस का मिल गया है ना। कौन सा? डबल चीज पिज्जा। आज डबल चीज लिया है, ये रुहान जी अपनी फोटो खिंचवाते हुए, मुझे तो पता भी नहीं था सेल्फी पॉइंट है, रुहान खड़ा हो गया यहाँ पे आके कि मेरी फोटो खींच दो एक। अब कनिका भी आ गई है पीछे। दोस्तों अब ब्रेकफास्ट कर लिया, अब निकलते हैं यहाँ से, बहुत टाइम हमने यहाँ पे लगा दिया। और रुहान बोल रहा था मैं ट्रांसफॉर्म होने वाला हूँ, रुहान क्या ट्रांसफॉर्म? ओ रुहान तो पूरा चेंज हो गया, रुहान ने कैप पहन ली है, गॉगल्स पहन ली है, और रुहान ने अभी सेल्फी भी खिंचाई है। चलो अब आगे का सफर इंजॉय करते हैं दोस्तों, बड़ा मज़ा आ रहा है, और मुझे लग रहा है रात को 12 बज जाएंगे घर पहुंचते हुए हमें, जिस तरह से हम ब्रेक्स लेकर रुकते हुए जा रहे हैं। लेकिन चलो कभी कभी होता है कि हम बिजी स्केड्यूल में से बाहर निकल पाते हैं, तो एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद पता नहीं हम तीनों कब रोड ट्रिप पे निकले। दोस्तों हम निकल रहे थे करनाल से, तो कनिका कहती कि मैंने कभी भी यहाँ की करना लेक नहीं देखी हुई, तो हमने कहा चलो अब जब घर जाने के लिए लेट है तो थोड़े और लेट से ही लेक देख लेते हैं। तो अभी मैं और कन्नू जा रहे हैं, कहाँ पे कन्नू? करना लेक, करनाल में जो लेक है, देखते हैं, गर्मी बड़ी है, लेकिन चलो चल के देखते हैं उतर के, अगर कुछ दिखा ठीक है, नहीं तो एक चक्कर मार आएंगे, पास ही है बिल्कुल। रुहान हैप्पी? दोस्तों ये पूरा ये बोट्स लगी हुई हैं और ये पूरी लेक है, और ये सामने अगर मैं आपको दिखाऊं, हाईवे पे गाड़ियां चल रही हैं, हाईवे के बहुत पास है ये, लेकिन कम लोगों को पता है तो इसलिए लोग आते नहीं है। आज कनिका की मर्जी थी तो हम आ गए, क्यों कन्नू? और यहां ठंडक कितनी है? हाँ हवा ठंडी है, गर्मी है। रुहान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, लेकिन लोगों ने यहाँ गंद डाला हुआ, देखो खा पी के ही फेंक देते हैं यार, बड़ी गलत बात है। जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा है यार, अपना ही देश है, अपनी जगहें हैं, प्लीज़ साफ़ रखा करो इसको, गंद मत फैलाओ, डस्टबिन ढूंढ के डाल दिया करो, एक या दो मिनट ज़्यादा लगेंगे। और मुझे तो दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ लेक में ज़्यादा कुछ देखने वाला है नहीं, चले बोटिंग होती है अगर शाम को आते हैं, बोटिंग शाम को। और रुहान को कल स्कूल जाना है? नहीं, तभी कल छुट्टी है, रुहान मजा आएगा, छुट्टी है, मस्ती हो रही है। दोस्तों यहाँ एक छोटा सा ये फूड कोर्ट है, जो लोग भी करना लेक आते हैं, छोटा सा फूड कोर्ट है, यहाँ पे हल्का फुल्का खाने को मिल सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ ना भी खाएं तो बाहर हाईवे पे आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शन है। चलिए चलते हैं। दोस्तों आपको आवाज आ रही होगी पानी की, ये लेक जो हम देख के आए हैं, वहाँ से घूम के पानी सारा यहाँ निकलता है, और ये कोई नहर है जो आगे जाती है, पर बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। लेकिन यहाँ साफ लिखा गया है कि यहाँ नहाना कूदना सब कुछ मना है, बहुत अच्छी चीज़ है। रुहान पीछे रहो, दूर रहो रुहान थोड़ा। दोस्तों ये बच्चे साइकिल लेके जा रहे हैं, देखिए हाईवे पे पीछे एक बाइक भी चल रही है, ये कोई रेसिंग या कुछ ट्रूप है, लड़कियां भी है छोटी छोटी। वाओ रुहान मजा आया देख के, वेरी गुड। ठीक है अंबाला 66 लुधियाना 183। तो दोस्तों अब टाइम आ गया है खींचने का, तो खींचते हैं गाड़ी को, सुबह से वैसे बोल रहे हैं लेकिन गाड़ी खींच नहीं रहे, एंजॉय कर रहे हैं। रुहान क्या बोल रहे थे आप बेटा? मैं बोल रहा था कि पीछे साइन लगा था, यहाँ पे रेडी नहीं खोल सकते, वहाँ पे साथ में 3 रेडियां खोली हुई थी। बिल्कुल रेडियो पे क्या था? रे...
रेडियो पे नहीं रेडी रेडी अच्छा रेडी पे क्या था लेमन लेमन वो मेरे को लग रहा है जूस की रेडियां लगी हुई थी और वहाँ शायद बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ रेडी लगाना मना है और उसी के नीचे किसी बंदे ने 3 रेडियां लगाई हुई थी तो रुहान का ध्यान चला गया उसके ऊपर। दोस्तों अम्बाला पहुंच गए, अब अम्बाला से आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अब चंडीगढ़ का रास्ता भी कट जाएगा एंड ये धनुष अम्बाला का निशान है जो पीछे चला गया एंड हमने GPS को थोड़ा सा बीट किया, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि हम बहुत रुकते रुकाते चल रहे हैं। अब थोड़ा सा जलंधर तक खींचते हैं गाड़ी को, बीच में एक ब्रेक लेना है यार, एक बार रुकेंगे बीच में। राजपुरा के पास है, राजपुरा पहुंचने वाले हैं और अम्बाला से राजपुरा तक की रोड बहुत ही अच्छी है, गाड़ी अच्छी स्पीड पकड़ती है, अभी तक तो मैं अच्छी स्पीड में आ रहा था, अभी एक छोटी सी ब्रेक ली थी। तो अब चलते हैं आगे एंड खींचते हैं स्पीड, 5:30 बजे दिखा रहा है हमें कि हम जलंधर के करीब पहुँचेंगे, तो कोशिश करते हैं कि 5:30 बजे के करीब या उससे थोड़ा पहले हम पहुँच जाएँ क्योंकि उसके आगे हमारा 4 घंटे का रास्ता हो रहा है, 4 भी या 6 लगा लो क्योंकि जम्मू से निकलते ही पुल टूटा हुआ है तो अंदर कुछ गांव से या विलेज से होकर जाना पड़ता है। तो खींचते हैं गाड़ी अब ताकि हम टाइम पे जम्मू गाड़ी लगा सकें। सो दोस्तों अभी हम कर रहे हैं लुधियाना सिटी को बाईपास कर रहे हैं एंड थोड़ी देर में जलंधर पहुंच जाएंगे। जलंधर हमारा ब्रेक लगना है क्योंकि कनिका के ब्रदर का वहाँ पे लवली प्रोफेशनल के बाद एक पास एक पीजी है तो कुछ काम है हमें वहाँ पे, वहाँ रुकेंगे 5-10 मिनट फिर हम निकल जाएंगे आगे, देखेंगे हवेली पे ब्रेक लेंगे, अगर हवेली पे नहीं लिया तो फिर 10वां ब्रेक लेंगे, लेट्स सी क्या होता है। अभी एक ब्रेक तो इमीडिएट ले लें और ये रूहान पीछे बैठा हुआ मुझे तो, रूहान मज़ा आ रहा है, हैं वेरी गुड। दोस्तों ये रोडवेज की बसें हैं, एक बड़ा रेयर है कि अटक जाए, अच्छा ट्रैक्टर वाली गाड़ी आगे जा रही है वरना ये बसेस नहीं मानती किसी को, ये गाड़ी खींच ही लेते हैं कहीं से भी निकाल के और बड़े से बड़े ट्रैफिक में भी ये अपनी जगह ढूंढ लेते हैं ये रोडवेज वाले। ये यहाँ पे अभी आपको दिखेगी शिव जी भगवान जी की कितनी बड़ी मूर्ति लगी हुई है, वो देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, आशीर्वाद बना के रखो भगवान हम सब पे, जो जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उन पे भी और जो नहीं देख रहे उन पे भी। ये रूहान और कनिका, इन्होंने अपना मील ले लिया KFC से, अब ये दोनों लगे हुए हैं, मैंने दोस्तों कुछ नहीं खाया अभी, नहीं मैंने नहीं खाना है, मम्मा का होगा ये आपका होगा, नहीं मैंने नहीं खाना, मैं नहीं खाता ये वाले। दोस्तों गाड़ी साफ़ करता हूँ यार, ये मैंने पानी भर के रखा हुआ है इसमें बॉटल बड़ी काम आ जाती है तो जो थोड़ा बहुत इसमें डस्ट जमा होगा साफ़ करके देखते हैं निकल जाए, थोड़ा वाइपर पे भी मार देते हैं क्योंकि अब रात का टाइम हो जाएगा, रात हो जाएगी तो शीशा क्लियर होगा तो आपको भी क्लियर दिखेगा और मेरे को भी क्लियर दिखेगा। दोस्तों अब हम निकल रहे हैं जलंधर से, रूहान क्या खाया बता दिया था मैंने KFC से, अब यहाँ से निकल रहे हैं, अब हम रुकेंगे कहाँ पे कनिका, अमन पठानकोट रुकते हैं, डाउनटाउन में रुकेंगे हम, पठानकोट वो हमारा लास्ट स्टॉप होगा तो उसके बाद सीधे जम्मू, चलो ये मिलते हैं रास्ते में आपसे। दोस्तों ये पूरा मुर्गी वाला ट्रक आगे मेरे जा रहा है, इसमें बहुत सारी मुर्गियाँ भरी हुई हैं एंड हो सकता है हमारी सिटी जम्मू की सप्लाई जा रही है हिमाचल की, ये मुझे आइडिया नहीं है, पर देखिए वहाँ जम्मू का पानी बड़ा मिस कर रहा था तो ये बिस्लरी का पानी नहीं पी रहा था, अब पठानकोट में हल्दीराम में आके पानी पी रहा है, अच्छा इसको जम्मू के बाहर का पानी ये बहुत मिस, जम्मू का पानी बहुत मिस करते थे वहाँ। और आपने क्या ऑर्डर किया अभी आगे, अभी इसने नूडल्स ऑर्डर किया, अभी ये KFC से खा के आया था लेकिन इसको भूख दोबारा लग गई है, बड़ी मस्ती मारता है जम्मू जाते हुए। लिखा था कि इसका क्या मतलब हुआ, आपको नहीं समझ आया, चलो बड़ी अच्छी बात है, समझ आना भी नहीं चाहिए अभी, अभी आप बहुत छोटे हो। रात के बज गए 10 और ये दोनों यहाँ बैठे हुए थे आराम से बाहर चाउमीन खाने के लिए, लेकिन अब बहुत लेट हो गए, अब निकलते हैं हम लोग घर की तरफ, चले रूहान
दोस्तों JNK में एंट्री हो गई है, अब हमारा पहला स्टेशन लखनपुर आने वाला है। वहाँ हम छोटी सी ब्रेक मारेंगे, फिर हम निकल जाएंगे नॉन स्टॉप जम्मू के लिए। और हमारे लखनपुर में कार रुकना है, वहाँ आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अंधेरा पड़ा है। लखनपुर में बताता हूँ कहाँ रुकना है। तो चलिए दोस्तों, मैंने पठानकोट में डाउनटाउन में खाना नहीं खाया था, मैं ये खाने लगा हूँ पकौड़े। यहाँ के भल्ले जम्मू के जो बड़े फेमस हैं, तो ये टेस्टी भी बड़े होते हैं। अभी ब्लॉग में सब सोच रहे होंगे कि हम नोएडा से जम्मू आने तक हम कितना कुछ खाते हैं। हमारा रोड ट्रिप ऐसे ही होता है दोस्तों, खाते पीते हम लोग ऐसे चलते हैं। तो मेरे साथ आगे कौन आ गया है? रूहान, मास्टर रूहान। अब हमारा मज़ा डबल हो गया क्योंकि रूहान यहाँ बैठ के सिर्फ और सिर्फ गूगल मैप देखता जा रहा है। क्या देख रहे हैं? गूगल मैप में आगे पीछे क्या है। रूहान आगे बैठ के मज़ा आ रहा है। रूहान ने जबरदस्ती अपनी मम्मा को पीछे भेज दिया और खुद आगे बैठ गया। इंजॉय कर रहा है रूहान आगे बैठ के। ऑलरेडी बड़े लेट थे तो ऊपर से हाईवे पे जम्मू जाते हुए मिला ट्रैफिक जाम। अब ये क्यों है आई डोंट नो। यहाँ से भी ट्रक इधर आ रहे हैं, यहाँ से भी गाड़ी अंदर जा रही है, ट्रैफिक वालों का कुछ पता नहीं। सॉरी, शीशा गंदा है, शीशा साफ कर देते हैं आपके लिए। गाड़ी इधर आ रही है, यहाँ से उधर जा रही है। अब जाने नहीं कैसे निकलना है, भगवान जाने। और कितने बजे घर पहुँचते हैं? लगता है घर पहुँचना थोड़ा चैलेंज हो जाएगा, बहुत लंबा जाम लगा हुआ है। क्या रीज़न है भगवान जाने, ट्रक ही ट्रक हैं और आमने सामने हो गई हैं गाड़ियाँ बिल्कुल, और टोटल जाम है। और मैंने गड़बड़ की थी कि मेरे को लगा था घर पहुँच जाएंगे टाइम पर, तो मैंने थोड़ा सा तेल कम भरवाया था कि चलो घर पहुँच जाएंगे तो मैं जम्मू से डलवा लूँगा। लेकिन ये हालात देख के लग रहा है कि फंसने के चांसेस पूरे हैं। हम लोग ट्रैफिक में फंसे भगवान, बिल्कुल ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, गाड़ियाँ हिल नहीं रही। मैं दिखाता हूँ आपको। सो खुला है थोड़ा सा जाम, डेढ़ घंटा हम खड़े रहे हैं रोड में, उसके बाद जाम खुला है। देखते हैं क्या होता है यार, अब टचूट घर पहुँच जाए, सारे बहुत थके हुए हैं। हम तो सुबह 9:30 बजे के निकले हुए नोएडा से और रुकते रुकाते अभी बज गए 11:30। क्या हुआ फिर? बड़ी मजेदार बात हुई अभी, जब इतना लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ था, डेढ़ घंटे हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तो ये हमारा रूहान कहता है कि पापा मम्मी को पीछे भेज के गलती कर दी, इसका तो मैं ही पीछे होता मैं सो जाता। फिर मुझे आइडियाज क्या दे रहा था इतना खाने पीने के बाद, पापा सामने ढाबा है मैगी बनवाते हैं। फिर इसका अगला आइडिया था, अंदर कैपेसिटी है अभी कुछ खाने की उन्होंने। फिर इसका अगला आइडिया था क्या था कि पापा वापिस जलंधर चलते हैं। फिर तीसरा आइडिया रूहान का, पापा गाड़ी लगाते हैं साइड पे और हम देखते हैं ट्रैफिक जाम का बनता क्या है, जब ये हिलने लगेंगे हम गाड़ी चला लेंगे। सही है रूहान, इधर देखो, सही कह रहे हैं पापा। अब ये हम मुड़ गए अंदर की तरफ, कन्नू दिखाएगी आपको, हम अंदर की तरफ मुड़ गए जो कि आगे रास्ता बंद है दोस्तों और ट्रैफिक खुल गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि इस रोड पे ट्रैफिक खुल गया है। और ये आप देख सकते हो JNK की रोड में रात को भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है। और अब तो मैं इसलिए भी खुश हूँ कि हम फाइनली घर पहुंच जाएंगे और अपने रूम में अपने बेड पे सोएंगे जाकर, यार अपने बेड का आराम होता है ना। चुरवान दोस्तों, ये आ गया चीची माता मंदिर सांबा, एंड यहाँ पे हम जाते हुए मत्था टेकते हैं, आते हुए मत्था टेकते हैं। तो अब सफर हमारा खत्म होने वाला है, यहाँ से घर रह गए सिर्फ नियर अबाउट 45 मिनट्स। तो माता का मत्था टेकते हैं और चलते हैं, लेकिन अभी रात बड़ी हो गई है, बाहर से मत्था टेकेंगे। जय माता की। ये दिखा रहा डिस्टेंस घर का। अभी जम्मू तक का ट्रैवलिंग टाइम थोड़ा बढ़ गया, एक तो बीच में से ब्रिज बैठ गया दयाला चक के पास, उसकी वजह से गाँव में जाना पड़ता है, और दूसरा पूरा एक्सप्रेस वे का काम चल रहा है। जैसे मैंने पीछे दिखाया अभी भी रात को भी काम चल रहा था, तो रोड में इतनी डाइवर्जेंस है कि गाड़ी स्पीड पकड़ ही नहीं पाती। आप 40-50-60 मैक्सिमम, वरना 30 पे भी चल रही है गाड़ी। तो ये टाइम ड्यूरेशन जो है ट्रैवलिंग की वो बढ़ गई है थोड़ी सी, थोड़ी नहीं काफ़ी बढ़ गई है। अभी तो रात है तो ट्रैफिक कम मिल रहा है, दिन होता तो ट्रैफिक बहुत मिलता। और रूहान ने ऐसा ट्रक पहली बार देखा है और रूहान बहुत एक्साइटेड है इसको देखे कि ट्रक इतना बड़ा क्यों है और ये ऐसा क्यों शेप है इसकी। है रूहान, आपने पहले कभी देखा है ऐसा ट्रक? है चलो इसको टेक ओवर करते हैं धीरे से, इससे थोड़ा बच के चलना होता है दूर होके। ये जम्मू और हमने किया आज रूहान, बहुत मस्ती मारी है और शायद ब्लॉग को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। क्यों रूहान, क्या कहते हो आप? मैं घर जाके नहीं नहीं, इसके बाद हमने बहुत सामान निकालना है। पर आप बताओ आज आपको पापा के साथ मजा कितना आया? बड़ा सादा है, पर ब्लॉग घर जाके क्लोज करेंगे।
चलो ब्लॉग घर जाके क्लोज करेंगे। आज मजा क्यों आया पापा के साथ? हमने क्या की? बहुत ज्यादा मस्ती, बातें की बहुत ज्यादा। मम्मा ने रूहान को आगे शिफ्ट कर दिया था और रूहान ने पापा के साथ बहुत सारी गप्पे मारी। जब रास्ता बिल्कुल सुनसान था तो पापा का फ्रेंड कौन था? रूहान महाजन। वाओ। चलो दोस्तों ब्लॉग को एक बार घर जाके क्लोज करते हैं, थक गए बहुत ज्यादा। ओके दोस्तों ब्लॉग को क्लोज करते हैं, घर पहुंच गए और आज रूहान की जिद की वजह से हम ब्लॉग को लेट क्लोज कर रहे हैं। 1:30 से ऊपर टाइम हो गया और ये सोया भी नहीं है बदमाश। अभी कह रहा है मैं आपके साथ सोऊंगा, आज ऐसे दादी के साथ सोता है रोज, पर ये आज हमारे साथ सोएगा। तो रूहान क्या कर रहे हैं? सबको ब्लॉग को लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार मोहब्बत बना के रखिए मैब्रिक कुणाल से। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग में।